मीटर चालू, शौक न लग जाए बल। और त्रिपाठी, मोमबत्ती ना ठहरी तेरे टॉयलेट में बल। तेरी जुल्फों को क्या हुआ नौटी? हाँ चली गई बत्ती रेडी होते होते, एक साइड से हुए एक साइड के रह गए बल। तू 54 लाख का बिल आया ठहरा, आप ऐसे कैसे कनेक्शन काट सकते हैं मेरा? कीजिए टीवी एंड फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन ज्वाइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल की हेल्प से। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और सीखिए कि कैसे बॉलीवुड में एंट्री करते हैं। ज्वाइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल उनके लिए जिनका कोई गॉडफादर नहीं। रेडी थी कनेक्टिविटी थोड़ा ज्यादा हो जाता है मुझे लगता है, क्योंकि हम बड़े शहर में रहते हैं, तो जैसे हम बॉम्बे में तो हमको पता ही नहीं कि आप बॉम्बे से बाहर निकले मियां रोड भाईंदर से दहीसर जाइए या विरार जाइए वसई जाइए तो आपको पता चलेगा कि लाइट की क्या प्रॉब्लम है। तो इसीलिए वहाँ पे बेस किया और यहाँ के भी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ताकि दोनों जगह की ऑडियंस जो है वो कनेक्ट कर सके, मुझे लगता है वहाँ पे। और प्लस अपने को एक फ्लेवर मिल जाता है जो अभी तक सिनेमा के हिसाब से लोगों ने एक्सपोज नहीं किया है, वो भी थोड़ा सा थोड़ा लैंग्वेज का भी इसकी वजह से किया। बेसिकली ये जो प्रेरणा जी हैं उनके पास में ये स्क्रिप्ट थी जिसका नाम कि रोशनी था, उसका लाइन हमको बताया गया, मुझे वो लाइन पसंद आई तो फिर हमने गरिमा एंड सिद्धार्थ जी के पास गए, हमने बोला भाई इसका थोड़ा कल्याण कर दीजिए, तो इन्होंने लिखा। और व्हाई इज इट एसेंशियल टू मेक मूवीज एट ऑल विद स्टार्स, वेदर इट्स सोशल वेदर इट्स ऑफ अ डिफरेंट टाइप, यू टेल मी। टू रीच वाइडर ऑडियंस, कमर्शियल रीजंस। थैंक्स फॉर द आंसर, टू रीच अ वाइडर ऑडियंस, स्पेशली व्हेन यू मेक अ फिल्म व्हिच इज अबाउट एन इशू व्हिच इज रेलेवेंट टू द कंट्री। यू नो आई हैव डन फिल्म्स लाइक दिस इन द पास्ट, वी हैव डन हैदर टुगेदर, मी एंड श्रद्धा, and that was talking about the issue of human rights, you know, which is a massive issue in a state like Kashmir, and in certain states in the northeast of the country. Then I did a film called Udta Punjab, which is about the drug problem in Punjab. And today I'm doing this film, Batti Gul Meter Chalu. So it's kind of my third film, which talks about something which I think is a relevant social issue and is something that people in the country are going through. And I must tell you that after I did those two films in the past, the kind of love that I got from people who were affected by that situation was so overwhelming. इतना सामने से लोगों ने फ़ोन करके कनेक्ट करके मैसेजेस भेज के बताया है दैट यू नो बिकॉज वी स्पोक अबाउट द इशू इट बिकेम लार्ज इनफ फॉर द मीडिया टू बी इंटरेस्टेड इन इट एंड वंस द मीडिया गेट्स इंटरेस्टेड इन इट देन इट बिकम्स एन इशू विच समबडी हैज़ टू डू समथिंग अबाउट। आई थिंक कैरेक्टर्स और फिल्म की जो कहानी होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वन हीरो टू हीरो, मैंने कभी फिल्में उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की हैं, चाहे वो उड़ता पंजाब हो जिसमें दिलजीत थे, चाहे वो रंगून हो जिसमें सैफ थे, चाहे वो पद्मावत हो जिसमें रणवीर थे, और इस फिल्म के अंदर भी देवेंदु जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। शायद लोगों को ये नहीं पता है क्योंकि उन्होंने अब तक फिल्म नहीं देखी है, लेकिन उनकी प्रेजेंस एक बहुत अहम प्रेजेंस है इस फिल्म के अंदर, और मैं उसको एक लीडिंग पार्ट से कम नहीं मानूंगा, ये बहुत ही अच्छा रोल है उनके लिए। शायद जब लोग फिल्म देखेंगे तो वो समझेंगे, एक्चुअली उनके कैरेक्टर की वजह से ही सब कुछ होता है फिल्म के अंदर। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप सही कहानियों को चुनें और सही कहानियों को कहने की कोशिश करें, नहीं तो शायद दंगल कभी बनती नहीं, क्योंकि वो तो दो बेटियों की कहानी थी और फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे आमिर खान। सो आई थिंक वी नीड टू ग्रो बियॉन्ड दीज लिमिटेशंस जो हम अपने ऊपर डाल देते हैं। आई थिंक हर चीज़ फिल्म पर डिपेंड करती है, फिल्म सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर फिल्म अच्छी बनी है और अगर फिल्म लोगों तक पहुंच पाती है और उनके दिलों को छू पाती है और कितनी ज़्यादा वाइडर ऑडियंस तक पहुंच पाती है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना यू नो उस इशू को कहां तक ले जा सकते हैं। मेरे ख्याल से इसका सही जवाब हमारे जो राइटर्स हैं गरिमा एंड सिद्धार्थ, वो देंगे, वही उनकी आत्मा जानती है कि वो कितना मुश्किल से उसके अंदर ह्यूमर लाते हैं। तो फैंटास्टिक ह्यूमर लाना मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल काम होता है, बट जब आ जाते हैं तो बहुत आसान लगता है देखने में। और मुझे ये लगता है कि ह्यूमर से हम वो कह सकते हैं, अगर हम प्यार हंसते हुए चांटा भी मार दें किसी को तो चल जाता है, गुस्से में अगर हम कुछ एक बात भी कह दें तो वो ज़िंदगी भर की बात बन जाती है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम हंसाएं और थप्पड़ भी मार दें साथ से। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक फिल्म के स्क्रिप्ट बनने के बाद में कि आपकी कास्ट और डायरेक्टर आपको कितना उसको कितना तरीके से साकार कर सकते हैं। तो ऐसी हमारी जो कास्ट थी शाहिद, श्रद्धा, दिव्येंदु, श्री सर के डायरेक्शन के अंडर इतना बढ़िया इतना अच्छा माहौल था सेट्स पे कि वो ट्रांसलेट होता है फिल्म के अंदर। So that I think is the source of all positivity and humor that you watch on screens now. Okay. I think that पूरा process फिर film entertaining हो जाती है और मैं भी audience हूँ, film audience हूँ, तो अगर एक socially relevant film मुझे देखने को मिल रही है that has entertainment in it as well और मैं हंस हंस के मुझे कुछ inspiration मिलती है, तो I think कि वो सबसे बेहतरीन तरीका है एक social issue को light में लाना
जी पहली बार जब हमने स्क्रिप्ट सुनी थी तो हम सबकी यही फीलिंग थी, और दिवेंदु काफी एंड में आए थे इस फिल्म के अंदर, तो वो पहले दो दिन तो उनकी हवाइयां ही उड़ी हुई थी, ब्रो ये हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस. सो वी वर ऑल वेरी वेरी अवेयर कि इस फिल्म के अंदर जो डायलेक्ट है, और कई रीडिंग्स की मैंने और श्रद्धा ने काफी रीडिंग्स की साथ में, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ होल्ड ऑफ इट, बिकॉज एक्चुअली इस लैंग्वेज में सब उल्टा कहा जाता है. मतलब मैं वहाँ जा रहा हूँ की जगह वहाँ जाने वाला हूँ मैं, मतलब ऐसा द होल वे इट इज एक्सप्रेस इज वेरी डिफरेंट, एंड देन देर आर द वर्ड्स लाइक बल एंड ठहरा एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स. तो इट इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस टू लर्न इट, बट आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट द फिल्म, बिकॉज किसी भी फिल्म में फ्लेवर अगर डायलेक्ट एक्साइटिंग हो, नया हो, अलग हो, तो फिल्म बहुत ही ग्राउंडेड और रियल ग्रास रूट हो जाती है. लोगों को ऐसा लगता है यार ये हमारी कहानी कही जा रही है. अरे तू हमें धमकी दे रहा है? 54 लाख का बिल भेजा था ना तूने? 54 दिन में तेरी बिजली कंपनी की बत्ती गोल करा के ठहरूंगा मैं. जरा फैक्ट्स और फिगर्स की भी बात कर लें. फैक्ट्स तो सब मेरे पास हैं, और आपके होते हुए फिगर की बात मैं कैसे करूं मैडम. सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें.